गुड आफ्टरनून एवरी वन. माई नेम इज रहमान, असिस्टेंट टीचर ऑफ बनहरदी हाई स्कूल अंडर झारखंड गवर्नमेंट. ऑलरेडी आई हैव टॉट यू पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉट पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, दैट मीन्स कॉल पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री. और उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे इसका डिफिनीशन के साथ उसका एग्जाम्पल चलता है. मैं बता चुका हूँ पर्सोनिफिकेशन क्या है, मैं बता चुका हूँ मेटाफर क्या है, मैं बता चुका हूँ सिमली क्या है. आज मैं बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन रिजेंबलेंस में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मेरा चैनल है ई कॉमर्स जोन, इसके अंडर हम लोग बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं. नाउ सी 100% आपको ये टॉपिक समझ में आएगा. ये मैं आपको लिखा हूँ, फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 4 अलंकार है. अलंकार का मतलब होता है एक ऐसा शब्द बोलना जिससे कोई भी भाषा सुशोभित हो जाए. अब देखिए, इसमें बेस्ड ऑन रिजेंबलेंस में आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन था, इसमें अपोस्ट्रोफी, संबोधन अलंकार, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संबोधन अलंकार. सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ कि इसका डिफिनेशन, परिभाषा क्या है. एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, यानी संबोधन अलंकार किसी व्यक्ति जो मृत अवस्था में चला जाता है उसको हम संबोधन करते हैं, या टू द अब्सेंट, और वो अभी प्रेजेंट नहीं है यानी अब्सेंट है, और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, कोई ऐसा आइडिया जिसको हम पर्सोनिफाइड करते हैं यानी वो न लिविंग तो लेकिन लिविंग के रूप में देखते हैं. दूसरा डिफिनेशन इसका है द एड्रेसिंग ऑफ ए यूजुअली अब्सेंट पर्सन और ए यूजुअली पर्सोनिफाइड थिंग रिटोरिकली. रिटोरिकली का मतलब होता है हाइपरबोल या एलोकेशन. इसका मतलब होता है कि हम बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं. इट इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन, और ये पर्सोनिफिकेशन का एकदम स्पेशल फॉर्म है. पर्सोनिफिकेशन मैं पढ़ाया था जब नॉन लिविंग थिंग्स को अनलिविंग थिंग्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जैसे द एयर इज टॉकिंग टू मी, एयर हमसे बात कर रहे हैं, ब्रिज इज डांसिंग, हवा डांस कर रहे हैं, तो इस तरह का पर्सोनिफिकेशन था. अब यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी से संबोधन में हम संबोधन करते हैं, मतलब कोई मर गया हो या अब्सेंट नहीं हो या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो पर्सोनिफाइड कर देते हैं. जैसे ओ लिबर्टी, एक मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इजी का मतलब एग्जाम्पली करे चाहे बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल दिया हूँ. ओ लिबर्टी व्हाट थिंग्स आर डन इन दाई नेम, आपने क्या किया. दाई का मतलब योर होता है, लिख लेंगे आप लोग, दाई का मतलब योर होता है. ये एक पुराना आर्केइक वर्ड्स, आर्केइक वर्ड्स का मतलब क्या होता है, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे जो ड्रामेटिस्ट या पोएट हैं वो लिखते थे इस तरह के. पहले वर्ड को हम दाई दाऊ इस तरह से देखेंगे. ओ जजमेंट, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी दिया जाता है, याद रखिएगा जब भी हम पर्सोनिफिकेशन करेंगे अपोस्ट्रोफी देंगे. ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिस बीस्ट, बीस्ट का मतलब जानवर, ब्रूटिस जानते होंगे, ब्रूटल का मतलब बहुत खतरनाक, तो इस तरह से दाउ मने वो भाग गए. ठीक है, अब इस तरह से नेक्स्ट में एग्जाम्पल आपका थर्ड एग्जाम्पल है ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव कमिटेड इन दाई नेम. ओ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या, फ्रीडम. ओ फ्रीडम, आपने क्या किया, क्या किया इस नाम पर, आपके नाम पर आपने क्या किया, मतलब आपने कुछ क्राइम किया. नेक्स्ट में है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, अरे बच्चों भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाई हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिए. यानी आपको देखना ये है कि इसमें हम डेड और अपसेंट और आपका ये है कि पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को हम एड्रेस किए हैं. याद रखिएगा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार जो होते हैं वो आपका हिंदी में हो या इंग्लिश में, चूंकि ये इंग्लिश में है, 3 से 4 नंबर आपका हर जगह काम देगा कंपटीशन में, या वो टेट हो, सी टेट हो, आपका यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, या आप 11th 12th मैट्रिक इंटर 4 5 6 7 8 क्लास में, हर जगह आपका चैप्टर का जो भी पोएम आप पढ़ते होंगे इसमें हर हाल में फिगर ऑफ स्पीच आएगा. प्रोज या पोएम दोनों में आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर हम पोएम के बारे में जानते हैं. नेक्स्ट में क्या है, बेस्ड ऑन साउंड. ऑलरेडी मैं बताया था बेस्ड ऑन रिजेंबलेंस में 5 होते हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ. पहला आपका कौन था, पहला आपका बेस्ड ऑन रिजेंबलेंस आपका, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि बेस्ड ऑन रिजेंबलेंस में पहला आपका सिमली था, दूसरा आपका मेटाफर था, थर्ड में एलोग्री था, नेक्स्ट में आपका पर्सोनिफिकेशन था, और फिफ्थ आपका अपोस्ट्रोफी था. अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा जो प्रकार है बेस्ड ऑन साउंड. साउंड का मतलब होता है कि कोई आवाज़ यानी साउंड के आधार पर. देखिए
याद रखिएगा, इंसान को साउंड बहुत जरूरी है। कभी भी आप मत बोलिएगा साउंड पोल्यूशन, जब भी आप बोलिएगा तो नॉइज पोल्यूशन। बिना साउंड के हम कभी आवाज़ सुन नहीं सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, साउंड के आधार पर इसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओनोमेटोपोया। ओनोमेटोपोया इसका हिंदी होता है अर्थानुरण अलंकार। अर्थानुरण अलंकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरल साउंड या इमिटेड साउंड को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसका मैं डिफिनेशन थोड़ा सा बता देता हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड फ्रॉम ए साउंड एसोसिएटेड विथ व्हाट इज नेम, यानी कोई भी चीज़ मान लीजिए गिरता है या गिरती है, पत्ते आपस में टकराते हैं, पानी टप टप गिरती है छत पर, या मान लीजिए कोई सिक्का गिरता है, लोहा टकराते हैं, या आदमी चिल्लाता है, तो हम उसको ओनोमेटोपोया बोलते हैं। जैसे आदमी क्राई करता है, बच्चे भी क्राई करते हैं, आदमी भी चिल्लाता है, गाय भी माओ या लो करती है, देखते होंगे सिंह जो है लायन है रोर करते होंगे। तो इस तरह का जो जितने भी साउंड होते हैं जो नेचुरल, यानी उसका कोई बनावटी साउंड नहीं होता है, नेचुरल साउंड यानी अंदर से निकलता है, उसको हम जैसे उदाहरण है बज, बी यू डबल जे बज हो गया, हिस स्नेक जानते हैं हिस करता है, क्वैक जो जो बतख वगैरह होते हैं, मो लाओ रिंग जानते होंगे रिंग बजता है, बीप मतलब हॉर्न का आवाज, क्रैकल कोई रस्सी वगैरह टूटता है, ये आपका क्रैकल हो गया, फायर का जो आवाज़ होता है, स्नैप माने रस्सी का टूटना, रोर का मतलब होता है आपका जो आवाज़ कौन निकालते हैं, शेर या लायन, क्राई मीन्स आदमी एट्सेट्रा। इससे बहुत सारा है नेचुरल साउंड। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछता है एग्जांपल में, संबोधन में भी आपको इस तरह का एग्जांपल दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन अलंकार है, यानी विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन दिस सेंटेंस, कौन सा यूज हुआ है, तो आप बता देंगे इसको भी, उम्मीद करता हूँ इससे पहले ही मैं बताएं उसको भी बता देंगे। अब इसमें है कि बेस्ड ऑन साउंड में किस तरह से ओनोमोटो या किस पूछ सकता है, जैसे आपका बबल, बबल जो आप देते होंगे जो पानी का जो होता है वो बबल होता है, बबलिंग करता है, उस तरह का साउंड होता है, तो बबल हो गया। इस तरह से बहुत सारे साउंड हो गया, हीस हो गया, तो आपसे सवाल ये पूछेगा, ये एक सेंटेंस में दिया रहेगा या पोएम में दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कि बताइए कि ये कौन सा फिगर ऐसे यूज हुआ है, ए नंबर ऑप्शंस ओनोमेटोपिया, बी नंबर ऑप्शंस पस्टोपी, सी नंबर आपको दे देगा पर्सोनिफिकेशन, और डी नंबर आपको एलिटेशन करेगा। तो अगर इस तरह का एग्जांपल रहता है तो आपको हर हाल में आंख मूंद करके ओनोमेटोपोया बोल देना है। तो होपिंग दैट यू हैव गॉट इट ओनोमेटोपोया। नेक्स्ट वी कम बैक ऑन सब्जेक्ट मैटर, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं एलिटेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इसकी तैयारी करते हैं इंग्लिश के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट अलिट्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। आप जानते होंगे इसका डिफिनेशन है द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब आप जानते होंगे, देखिए इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 हैं और वोवेल साउंड्स 20 है, तो आपका कितना टोटल हो गया, एक याद रखिएगा इंग्लिश में कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, आपका कॉन्सोनेंट साउंड 24 है और वोवेल साउंड 20 है, सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी एस। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, साउंड्स एस ओ यू एन डी एस, साउंड्स कितने हैं आपका 24 और ये आपका वोवेल हो गया, तो वोवेल साउंड टोटल तो कितने हो गए 44। ये इस तरह से ये 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। ये 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है, 20 जो वोवेल साउंड है उसी के बारे में बोल रहा है कि 24 जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी वो साउंड्स आएगा इसमें जब इसको हम बोलेंगे, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, जब हम वर्ड की शुरुआत करेंगे। और ये लिया गया है लैटिन वर्ड से, लैटीरा इसका लैटिन वर्ड है, लैटिन आप जानते हैं लैटिन ग्रीक, आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था, पहले भी अभी भी है, जहाँ पर बोली जाती है ग्रीक यानी यूनान तरफ, लैटीरा वर्ड से लिया गया, इसका मतलब बेटर ऑफ अल्फाबेट, बेटर का माने अल्फाबेट। इसको हम टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको हम टंग ट्विस्टर। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे टंग ट्विस्टर जो हम जैसे बोलते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, आप बार बार बोलेंगे तो आपका टंग ट्विस्ट करेगा, ट्विस्ट का मतलब मुड़ जाएगा, तो इसीलिए इसको हम टंग ट्विस्टर बोलते हैं। और चंदू की चाची वाला भी आप लोग कहानी जानते होंगे, वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो हिंदी का है, तो हिंदी में अनुप्रास अलंकार कुछ अलग नहीं होता है, इंग्लिश जैसा ही है, बस यही फर्क है कि उसमें हम हिंदी उदाहरण लेते हैं और इसमें हम इंग्लिश उदाहरण लेते हैं, इसलिए आप दोनों ग्रामर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, आप देखेंगे इसमें डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव में, याद रखिएगा आप देखेंगे
माय डियर लर्नर्स, यहाँ डी और यहाँ डी और यहाँ डी, यानी फर्स्ट जो वर्ड का पहला पहला लेटर जो है डी डी डी, ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब एक जैसा साउंड सुना देता है। और आप जानते होंगे डी जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो ये आपका ड्रिंक हो गया। इसको मैं बताया हूँ टंग ट्विस्टर वर्ड्स, टंग ट्विस्टर वर्ड्स बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो सभी आए, जैसे कोको कोला, तो सी और सी यहाँ पर आप आ रहा है, किट का है ये के आर के यहाँ पर आ रहा है, यानी मैच कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड है। मिकी माउस में एम एम मैच कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत एक सेंटेंस में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हाउ इज हाइनेस, यहाँ पर एच एच एच, होल्ड हीज हाउटी, हाउटी माने घमंड होता है, प्राइड, ठीक है ना, प्राइड एच हेड। आप देखेंगे माई डियर लर्नर्स, एच 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 एच, दैट मीन्स इतनी बार एक सेंटेंस में एच एच आया है। ये आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का, यानी अनुप्रास अलंकार का इंग्लिश में। नेक्स्ट में आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, रियून में आर, सीज में एस, तो ये तो आपका नहीं मैच कर रहा है, इसको काट देंगे, और आपका डी भी नहीं कर रहा है, और रुदलेस में आर हो गया। तो आप देखेंगे कि एक दूसरा सेंटेंस में आर 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 का यहाँ मैच किया है, रियून सीज द रुदलेस काइंड, ये आपका आर है। इस तरह से आप बहुत सारा उदाहरण जो है आप एलिट्रेशन के आप हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जैसे जिग जैग हो, जिग जैग हो, ये भी आपका उदाहरण हो गया। ऐसे मैं आपको बहुत सारा उदाहरण बता दूंगा, जैसे बहुत सारा उदाहरण आप भी जानते होंगे, आप भी उसको देखकर, आप जो भी किताब में मान लीजिए कोई पोएम में दिया रहेगा, तो आप इसको देख करके इस तरह से एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार आप ऑप्ट यानी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक आउट उससे निकाल सकते हैं, और आप आराम से क्वेश्चंस देखिए। मेरा जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने का मेन उद्देश्य है, ये मैं एक सीरीज जा रहा हूँ, और तीन चार दिन और क्लास लूँगा, अभी आप मेरे साथ बने रहिएगा, तीन चार और क्लासेज मैं लूँगा जिसमें पता चलेगा पूरा फिगर ऑफ स्पीच। कम से कम मैं आपसे बोला हूँ 20 वादा किया हूँ, 20 फिगर ऑफ स्पीच आपको मैं पढ़ा दूंगा, उससे 1% ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन में नहीं पूछेगा, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। 10-15 साल से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अब जो भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ लिखा हूँ 100% समझ में आएगा, आएगा मीन्स आएगा। अब लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ एक बार फिर से, रिजेंबलेंस के आधार पर अपोस्ट्रोफिस में पढ़ा दिया, इसमें भी आपको मैं एक बार फिर समअप में कर देता हूँ। उसके बाद बेस्ड ऑन आपको मैं बताया, इसमें भी उदाहरण मैं बताया, बेस्ड ऑन साउंड में ऑनोमेटोपिया है, और भी अभी उदाहरण है बेस्ड ऑन साउंड में, अभी और है, लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ। एलिट्रेशन मैं बताया, ऑनोमेटोपिया बताया, इसका उल्टा एजोनेंस होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा होगा। एक अंत में मैं आपसे एक थॉट बोलना चाहता हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, विजेता अलग काम नहीं करते हैं बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। थैंक यू वेरी मच विद अस, आप मेरे साथ बने रहें, और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अगेन, और ई कॉमर्स जोन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ओके, थैंक यू।